फैसल साहब तुम तो आ जाओ आगे यार। यार तुम पीछे हो जाओ थोड़ा, इधर हो जाओ। पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज लोनी में छोटे छोटे बच्चे और युवा वर्ग जितना है सब एक कैंडल मार्च निकाला है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आतंकवादी हमला हुआ है ये एक निंदनीय घटना है। इस पर पूछने के लिए हमारे साथ एक पंडित जी। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे आतंकवादी घटना? मैं संरक्षक हवा में खिदमत आवाम युवा समिति से संरक्षक हूँ। हम निंदा करते हैं जो पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ या उसके अलावा जहाँ पे भी ऐसी घटनाएं होंगी हम उसकी कड़ी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और एक बात कहते हैं कि जुल्म की और जालिम की कोई जाति नहीं होती, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। आज ऐसे हालात को देखकर आज़ाद भारत में जो घटनाएँ घट रही हैं आज उसके लिए ऊपर हमारे जो जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया वीर अब्दुल हमीद शहीद अशफाकुल्ला खान चंद्रशेखर आज़ाद सुभाष चंद्र बोस उनकी आत्माएं रोती होंगी। ऐसे कुकृत्य भारत के अंदर जो हो रहे हैं उन्हें देख के इसी कड़ी निंदा करते हैं। और ऐसी घटनाएं मजहबी तौर पर न मानते हुए चाहे वो आतंकवादी किसी भी धर्म का हो किसी समुदाय का हो किसी धर्म का हो खिदमत आवाम की समिति उसकी कड़ी निंदा करती है और निंदा करती रहेगी। बिल्कुल, अभी खिदमत आवाम हिंद जो एक NGO है उसके अध्यक्ष मार्टिन फैसल वो हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि आप पूरा जो मामला हुआ है एनकाउंटर चलाया आतंकवादी मारे गए पूरी घटना उसको किस किस नजर से देखते हैं? जी मैं मार्टिन फैसल अध्यक्ष खिदमत आवाम युवा समिति। सबसे पहले तो हम सैल्यूट करते हैं उन जाबाजों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे केंद्र सरकार की नाकामी के ऊपर जैसे भी केंद्र सरकार जो चुनावी जुमलों के ऊपर आई है 56 इंच का सीना या चौकीदार जैसी बातें गई हैं। अब ऐसे मजबूत पावर के साथ चौकीदार के होने के बावजूद अगर जो भेड़िए हमारे देश के अंदर घुस के हमारे जाबाजों को स्कूलों को बहा दें हमारी धरती माता को लहूलुहान कर दें तो हमें ऐसे 56 इंच के सीने और ऐसी छाती और ऐसे चौकीदार की ज़रूरत नहीं है। और हम एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि खिदमत आवाम युवा समिति एक मैसेज देना चाहती है कि मुसलमान हिंदू सिख ईसाई आतंकवाद का किसी से भी कोई नाता नहीं है। आतंकवाद पूरे एक धर्म है पूरे एक मजहब है तो हम उसका विरोध करते हैं और जैसे भी स्थिति आएगी हम उसके ये सामने खड़े होंगे। हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। आपको क्या लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है कि एयरबेस के अंदर घुसना आतंकवादी, आपको क्या लगता है चूक हुई कहीं नहीं? चूक साफ साफ चूक है। आप कुछ ही दिन पहले भी गुरदासपुर में अभी आतंकवादी हमले हुए हैं और वो भी सेम इसी तरीके का था। और अभी सुखविंदर जी ने भी उसके बारे में बताया वो भी अभी अपने लफ्ज़ों पर कायम नहीं है, कभी कुछ उनके भी बयान आते हैं कभी कुछ। और दूसरी चीज़ें अभी कभी मुंबई कभी समुद्र के रास्ते से वो मुंबई हमला कर देते हैं जब हमें सीधे सीधे पता है पाकिस्तान इस चीज़ के पीछे है तो फिर हम उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, फिर क्यों नवाज़ शरीफ के साथ दिखाने पहुँच जाते हैं? तो हमें सुरक्षा में जो भी खामियां हैं उनको पता लगाना चाहिए और हमारे जो वीर सैनिक हैं जो भी जाबाज हैं हमें उनके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें वो चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि हम दुश्मन से निपट सकें। सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी में चूक हुई है जिसके कारण इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं मुशाहिद खान, 7 अप्रैल न्यूज़ लोनी।